फिल्म और शूटिंग में बहुत व्यस्त रहते हैं आमिर। क्या आमिर कभी फुर्सत में भी होते हैं? अगर वो फुर्सत में होते हैं तो क्या करते हैं? पढ़ते हैं, लिखते हैं, गाना सुनते हैं, परिवार के साथ वक्त बिताते हैं, या फिर उनका शौक कुछ अलग हटके है? आमिर क्या करते हैं आप फुर्सत के लम्हों में? वेल, मुझे पढ़ना बड़ा पसंद है। आई लव रीडिंग बुक्स। बच्चों के साथ मैं वक्त गुजारता हूं तो मुझे बड़ा मज़ा आता है, और अपनी फैमिली के साथ। तो जब मैं काम नहीं कर रहा होता हूं तो अपने फैमिली के साथ ही ज़्यादा रहता हूं मैं। गाने भी गाते हैं, गुनगुनाते हैं आमिर? गाने गाना पसंद है मुझे, लेकिन जब लोगों को पसंद नहीं, क्योंकि उनको मेरी आवाज़ ज़्यादा पसंद नहीं है, खूब डांट खाता हूँ मैं जब मैं गाना गाता हूँ। चलिए अब हम चलते हैं इमरान के पास। इमरान, ये बताइए कि इस फिल्म को लेकर के आपका एक डेब्यू हुआ इसमें एक तरीके से, लेकिन आपने जो पढ़ाई की है बाहर जाकर के, वो बेसिकली किस चीज़ की है? क्या आपको हम ये माने कि आने वाले दिनों में आप भी कोई फिल्म डायरेक्ट करेंगे या कोई और दूसरी जगह पर दिखाई देंगे फिल्म बनाने को लेकर? जी हाँ, डायरेक्ट करना ज़रूर चाहता हूँ। पता नहीं कब करूँगा, सो फार आई हैव नो प्लान्स, बट डेफिनेटली। मैंने एक्टिंग की कोई ऐसी ट्रेनिंग नहीं ली है, मैंने डायरेक्शन और राइटिंग की ट्रेनिंग ली है। आई एम एक्चुअली ट्रेन्ड फिल्म मेकर। अब्बास, ये बताइए कि आप क्या एंजॉय करते हैं? जैसे हमने आमिर से पूछा कि खाली वक्त में वो कुछ घर में बच्चों के साथ टाइम बिताना पसंद करते हैं और काम करते हैं, क्या आप खाली वक्त में गाने सोचते रहते हैं, क्या करते हैं उस वक्त? नहीं, मैं खाली वक्त में, एक तो है कि राइटिंग मेरे लिए कभी वर्क नहीं रहा है, तो कहीं ना कहीं जाकर मैं हमेशा सोचता रहता हूँ कोई नई कहानी, कोई नया किरदार। लेकिन हाँ, पढ़ने का शौकीन हूँ, मैं मूवीज देखना पसंद करता हूँ, लेकिन दोस्तों के साथ वक्त गुजारना भी काफ़ी पसंद है, तो बस शांत सी जिंदगी जीता हूँ बहुत। जिनेलिया, ये बताइए कि साउथ की फिल्में और बॉलीवुड मूवीज में आपको कहाँ काम करना ज़्यादा अच्छा लगता है? दोनों जगह पे। आई कांट डिफरेंशिएट, इट्स बीन अ प्लेजर वर्किंग इन द साउथ। आई ओवरऑल, पर एक बिग डिफरेंस क्या दिखाई देता है दोनों तरह की फिल्मों में? इमरान ने इसमें रोल प्ले किया जय का, वैसा सुशांत टाइप का टफ लड़का चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों? नो, अ लिटिल बिट ऑफ सुशांत और जय। क्यों, जय में क्या कमी है? डरपोक है, फट्टू है। फिल्म शायद देखी नहीं है। क्लाइमैक्स में उतना क्लाइमैक्स नहीं चाहिए मुझे। प्लॉट खोल के दे दो, आप लोग बांट दो प्लॉट को, किसी को फिल्म देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इमरान, आपको कैसी लड़की चाहिए? अदिति जैसी? नहीं, मेरी गर्लफ्रेंड है, मैं उनके साथ बहुत खुश हूँ। मुझे अवंतिका जैसी है। चलिए, इसके अलावा और भी बहुत सारी दिलचस्प बातें हैं, ये जानना कम दिलचस्प नहीं है कि जो सबका फेवरेट है उसका फेवरेट कौन है। हम आमिर खान की बात करें, आइए जान लेते हैं कि आमिर का फेवरेट कौन है। दुनिया भर में आमिर के करोड़ों फैंस हैं, कुछ जीने मरने पर भी उतारू हैं। क्या आमिर खान का भी कोई फेवरेट है, कोई ऐसा जिससे वो बार बार मिलना चाहें, कोई ऐसा जिनकी दीवानगी आमिर पर हमेशा सवार रहती हो? आमिर, जैसा कि एक दर्शक ने भी अभी सवाल पूछा कि आपकी इंस्पिरेशन कौन है, मतलब आप किसको फॉलो करते हैं हमेशा, क्या सोचते हैं? दरअसल कई ऐसे आर्टिस्ट हैं जिनका मैं बहुत बड़ा फैन हूँ। दिलीप कुमार साहब हैं, अमित जी हैं, नसीर, बमन बड़ा अच्छा काम करते हैं, मैं शमी अंकल का बड़ा फैन रहा हूँ, धर्म जी, वहीदा जी, नरगिस जी, तो कई ऐसे आर्टिस्ट हैं जिनका काम देखकर मुझे इतना मज़ा आता है और मैं इंस्पायर होता हूँ अच्छा काम करूँ। डायरेक्टर्स का काम देख के मैं इंस्पायर होता हूँ, अच्छी फिल्में देख के मैं इंस्पायर होता हूँ। कोई एक ऐसा शायद आर्टिस्ट नहीं है जिसको मैंने फॉलो किया है, लेकिन जो हमारे सीनियर्स हैं जिन्होंने इतना अच्छा काम किया, उनका काम देख के मैं बड़ा इंस्पायर होता हूँ कि हम भी काश इस लेवल का काम कर पाए कभी, कोशिश रहती है मेरी। फेवरेट अमिताभ बच्चन भी हैं। अमिताभ बच्चन और आमिर सिल्वर स्क्रीन पर, इस केमिस्ट्री का दर्शकों को बहुत इंतजार है। क्या आमिर और अमिताभ साथ साथ किसी फिल्म में नजर आएंगे?
जाने तू के प्रीमियर में अमिताभ आए तो खबर बन गई। लेकिन जब आमिर ने अपने ब्लॉग में बिग बी की ब्लैक फिल्म और उनकी एक्टिंग पर टिप्पणी की थी तब भी खबर बनी थी। कैसे लगते हैं आमिर को अमिताभ? कैसे हैं इन दोनों के रिश्ते? आमिर, कैसी रिलेशनशिप है आपके और अमिताभ के बीच में? क्या कभी आप किसी फिल्मों में हमें साथ साथ दिखाई देंगे? It would be a dream for me. I think Amit ji is probably the biggest star of Indian screen that Indian screen has ever seen and ever will see. And I am one of the people जो उनकी ऑडियंस में रहा हूँ और बहुत बड़ा फैन रहा हूँ हमेशा उनका। मेरे दिल में बहुत ज़्यादा इज्जत है उनके लिए और अगर मुझे कभी मौका मिलेंगे उनके साथ काम करने का तो ये बात बहुत खुशी की होगी मेरे लिए, चाहे वो एज एन एक्टर हो चाहे वो एज ए डायरेक्टर हो। इट विल बी अ ड्रीम फॉर मी टू वर्क विद हिम। और आजकल ब्लॉगिंग बहुत सारे फिल्म स्टार्स के बीच में बहुत चल रही है, तो आपकी ब्लॉगिंग को लेकर के भी बहुत सारी कंट्रोवर्सी उठती रही है। जी हाँ जी। तो आप आगे भी बिंदास होकर के लिखते रहेंगे? दरअसल होता ये है कि जो शायद कुछ मीडिया के लोग हैं जो पूरी तरह से ब्लॉग पढ़ते भी नहीं हैं लेकिन वो उस पर रिपोर्टिंग कर लेते हैं, आई थिंक दैट ब्लॉगिंग मेरे लिए एक जरिया है जो मैं अपने ऑडियंस के साथ एक कनेक्शन और एक इंटरेक्शन ऐसा है जिसमें कि मैं उनकी दिल की बात सुन सकूं, पढ़ सकूं और मैं अपने दिल की बात उनके सामने रखूं। तो हमारा जो रिश्ता है मेरी ऑडियंस के साथ वो उसमें पिछले एक साल में काफ़ी उसमें गहराई आई है और एक अलग रस आया है उसमें, मतलब डिफरेंस आप महसूस करते हैं। जी हाँ जी हाँ। और चलिए अब आखिर में जान लेते हैं अब्बास, इमरान और जिनेलिया से भी कि इस फिल्म के बाद भी दर्शकों से एक रिलेशन उनका बन चुका है, अब आगे क्या है अब्बास? बस जो पहले रहा है इंशाल्लाह वही आगे होगा। मैं कहानी कहने का शौक रखता हूँ, कहानियाँ मेरी ज़िंदगी है और कोशिश की है हर चीज़ में, चाहे वो स्क्रिप्ट राइटिंग हो चाहे वो गीत लिखने में हो चाहे वो जो पहली बार डायरेक्शन किया है कि अच्छी कहानी कही जाए और लोगों का मनोरंजन किया जाए। और बस कोशिश यही रहेगी कि इंशाल्लाह अच्छी कहानियाँ कहता रहूँ और दर्शकों को। और इमरान, व्हाट नेक्स्ट? मैंने अपनी दूसरी फिल्म कंप्लीट की है, इट्स कॉल्ड किडनैप, जिनके डायरेक्टर हैं संजय गढ़वी, स्टार्स हैं संजय दत्त, मिनीषा लांबा और मैं। एक सस्पेंस थ्रिलर है ये फिल्म and I've just started shooting a film called Luck, जो एक adventure film है। director है सोहम और मेरी co-stars, दो तीन co-stars हैं actually, is Mr. Danny Dinzongpa, बहुत ही amazing actor हैं, मिथुन चक्रवर्ती और श्रुति हासन। जी, अब आखिर में जिनेलिया से जान लेते हैं। जिनेलिया, आप अब बॉलीवुड की फिल्मों में ज़्यादा दिखाई देंगे या साउथ की फिल्मों में? दोनों में, but obviously preference will be given a lot more to Bollywood. But I would want to balance both the industries. चलिए, आप चारों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया स्टूडियो में आने के लिए और तमाम बातचीत के लिए। आमिर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।